अरे बाबा तुम्हारा कोई बात नहीं, उतार उतार उसको उतार। अरे अरे गब्बू, ओ बदमाश ये पकड़। अच्छा कि हम फिर नहा लेंगे यार दोबारा। कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, नहलाओ उठा। वाह अच्छा है, बहुत अच्छा। अनी दीदी आज बाहर जा रही है इसलिए, मतलब ये बहुत दिनों बाद ढंग का कपड़ा पहन लिया, वरना घर पे फटा फूटा कुछ ही पहन लेती है। इसको कंफर्ट हमेशा चाहिए होता है। ये अनीता दीदी पता है तुम लोग कुछ कह रहे थे कि तुम्हारी शक्ल राधा से मिलती है और तुम्हारी बेटी है राधा। हाँ तो आज भी कहे बात बता दी है। दीदी मजाक ही कर रही है, दीदी की बेटी नहीं है राधा। ये मैं तो गंजा लग रहा हूँ, तो अच्छी नहीं लगी। फ्रॉक चेंज करोगे ना? अच्छा नहीं है अनिका, आप तो बहुत अच्छी लग रही है। वाह भाई वो बंदा गिर गया, मेरा कैमरा खुले में थोड़ा लेट हो गया। मैं देखो सड़क पे क्या कर रहा हूँ, हालत बहुत बुरा है मेरा। मम्मी से मैंने बताया बाहर आ गया हूँ मैं गाड़ी लेके, और उफ बदबू। मैं क्या रहा है निका, निका क्या कर रही हो? मैं हम लोग मतलब खाली मैं आया हुआ हूँ और अनिका है और भैया भैया लोग हैं मार्केटिंग के लिए। मुझे आइसक्रीम चाहिए। क्या आइसक्रीम? और घर में सब लोग भड़के हुए हैं क्योंकि मैं किसी को बता के नहीं आया, ऐसे ही आ गया हूँ और व्लॉग भी कर रहा था तो सब लोग गुस्सा हो रहे हैं और बहुत ज़्यादा डांट। बचपन का शौक, मैं अभी भी पहुँच गया और सब लोग इधर गुस्से में हैं क्योंकि मैं किसी को बिना बताया गया था। अनिका सुनो भाई साहब, इसको भी देखो गाड़ी हमारा एक बाइक था जो गुड़गांव से कुरियर होकर यहाँ पे आया है, तो मैं भैया को छोड़ के आ गया कि बाइक लेके आओ, और बाइक में पेट्रोल नहीं है। फिर भैया फ़ोन करके बोल रहे हैं कि ये आओ ये सब ऐसा, लेकिन मैं आया भी नहीं, मैं भाग गया। तुम्हारा कोई बात नहीं, उतार उतार उसको उतार। अरे यार ये खून नहीं है ना, बेचारी इस मोटू। लो ले लो ले लो ले लो ले लो ले। मैं नंगा हूँ माइंड मत करना। तो बात ये है कि मैं घर पे आया और मुझे पता चला कि गिनी ने प्रैंक कर दिया है। मैंने घर छोड़ के चला गया। मैं एक्चुअली मैंने बोला ना व्लॉग में कि मैंने किसी को नहीं बताया घर में कि मैं आ गया हूँ। और सुनो मैंने बस तुम्हें ऐसे, मैंने तुम्हें भी नहीं बताया था, मैं किस सच में किसी को नहीं बताया। फोन ऑफ कर दो बस, इसने फोन ऑफ कर दिया और उसके बाद मैंने कर दिया कांड। सब लगा रहे थे फोन तुमको, अभी तक ऑफ है ना, जाओ कट का मैसेज आया था शिवम को, बोलो ऑन करने को फोन जल्दी। हाँ उसका आया है मैसेज, तुम्हारा वाला भी फोन था ना मेरे पास, दूसरा छोटा वाला उस पर भी आया था। ए लड़ा ये देखो नहीं, तुम्हारा गोलगप्पा नहीं आया। मैंने सुना कि तुम्हारे ऊपर प्रैंक हुआ है आज, तुमको खून खोल रहा है। हाँ तो मैंने नहीं बताया था, मेरा प्लान नहीं था प्रैंक करने का, प्रैंक पूजा उसी ने किया है, पूजा गिन्नी ने, मेरा बिल्कुल प्लान नहीं था। मुझे फोन करके बोल रही है कि फोन ऑफ कर दो, मुझे घंटा पता ही नहीं चला कि किस रीजन से बोल रही है फोन ऑफ करने के लिए। दिमाग खराब कह रही है, किसी को लड़ाई करके भाग गया घर से, डिस्टर्ब हो गया, जो भी सोए थे सब सुकून छीना गया। चले लेटर लिखा था इतना बड़ा बड़ा वर्ड, इतना पतला पेज फटा हुआ था, उस पर इतना बड़ा बड़ा वर्ड दिखा हमको, कबूतर के टांग जैसा। लोग का बड़ा अजीब सीन है, प्रैंक करते हैं किसी पे भी, मतलब कोई भी टॉपिक पे हो, एट द एंड मुझे एडिटिंग थमा देते हैं, तो मुझे ही करना होता है, तो इसका भी एडिटिंग हो ही रहा है और आज ही आएगा, जब ये व्लॉग आएगा उसके लगभग एक घंटे बाद प्रैंक किया जाएगा। क्या क्या लाडा आ गई लाडा, कपड़े पहनाया करो यार, ले मोटी ये देखो तुम घटिया सा स्कूटर पे बैठो, कोई बढ़िया स्कूटर नहीं मिला तो मुझे यही मतलब अनीता दीदी को यही लाना पड़ा, और तुम्हारे लग तो यही काफी है। हाँ मतलब वही काम चलाऊ वाला है ना, यूज करके फेंकना ही है कुछ दिन में। हाँ क्योंकि बड़ी हो जाएगी ना, वैसे भी तोड़ इसका टांग के पास गंदा लगा हुआ है जमीन पे। क्या अच्छा है,
तुम्हारे बताने की जरूरत नहीं, मैंने डाला ही नहीं है वो सब, जहाँ जहाँ डाला है। देखो कौन सिखा रहा है, एडिटर को सिखा रही है। ओए तो प्रैंक हो गया, मतलब इस बात की मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि आज मेरा प्लान था कुछ ना कुछ करके डालने का, तो कोई बात नहीं, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुड्ढो वाला लाइन बोल रहा हूँ मैं, नहीं। बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, बाय बाय बाय, धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, बाय बाय।